तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले एक मूवी के बारे में जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है और ये एक हॉरर मूवी है। तो अक्टूबर का महीना आने को है और अभी से हॉरर मूवी आ रहे हैं, क्योंकि पता है अक्टूबर में बहुत हॉरर मूवीज आने वाले हैं। तो हम पहले इस मूवी पर फोकस करते हैं। तो इस मूवी का नाम है नो वन गेट्स आउट अलाइव। ये एक हॉरर मूवी है, नेटफ्लिक्स पे मतलब आज ही आई, आप चेक कर सकते हो। तो इसके डायरेक्टर है सैंटोनियो मेलगी ने, और उसके स्क्रीन प्ले लिखा है जॉन क्रूकर और फर्नांडो कॉपल से, और इसके कास्ट में नजर आएंगे हमें मार्क मैनचाचा, क्रिस्टीना रोल्डो, डेविड बराना, ये मिर्जा मिचेल मुलेन, डेविड फिलगौली। तो ये इसकी कास्ट और अच्छे अच्छे जाने पहचाने एक्टर से। और मैंने इस फिल्म को देखा तो मेरा पहला इंप्रेशन कैसा पड़ा तो बता दूँ कि मैंने बहुत टाइम बाद एक डिसेंट सी मतलब चिलिंग वाली हॉरर मूवी देखी। क्योंकि मतलब मैंने जो रिसेंट वाली हॉरर मूवी देखी थी मैलिग्नेंट, उसमें उतना डर नहीं लगा था। और मतलब पसंद तो आई थी वो, तो थोड़ी सी मतलब एंडिंग में कॉमेडी टाइप एंड हुई थी, तो वो थोड़ी स्लैशर टाइप कह सकते थे। पर ये इसमें थोड़ा सीरियस दिखाया गया था, इसमें एकदम सीरियस टोन देखे पूरे स्टार्टिंग से लेकर आपको बांध के एंडिंग में आपको जब मिस्ट्री खुलेगी तो आपको मतलब सरप्राइज तो नहीं होगा पर थोड़ा सा चिलिंग में से होगा। एक चिलिंग टाइप हॉरर मूवी है तो ये थोड़ी एंटरटेन तो जरूर करती है। तो जो आपको मिस्ट्री के बारे में एलिमेंट है उसके बारे में बताया जाए तो ये मिस्ट्री का एलिमेंट बहुत ही अच्छे से फोकस करती है, हॉरर से तो ये मिस्ट्री एलिमेंट में फोकस करती है और एंटरटेन करती है पूरी मूवी में। तो मूवी ओवरऑल छोटी है, इतनी बड़ी भी नहीं है। तो एक कह सकते हैं एक स्पेनिश मूवी है, स्पेनिश अमेरिकन थ्रिलर हॉरर थ्रिलर मूवी कह सकते हैं और मिस्ट्री भी कह सकते हैं। तो परफॉर्मेंस की बात कीजिए तो परफॉर्मेंस सारे एक्टर्स ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है और बीजीएम भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और हम स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो स्क्रीन प्ले हमें शुरुआत के 5 मिनट से बांध के रख देती है और कोई भी फालतू का मतलब मूवी में डिस्ट्रैक्शन नहीं किया गया है। बस ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप पेरेंटल गाइडेंस की बात की जाए तो आप अकेले ही देखिए मूवी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वायलेंस है तो फैमिली नहीं झेल पाएगी वो वायलेंस। तो आप बच्चों के साथ या फिर फैमिली के साथ ना देखिए यहीं बैठा है, क्योंकि ये हॉरर मूवी है तो नेटफ्लिक्स की हॉरर मूवी थोड़े अलग होते हैं, आप समझ सकते हैं मेरा कहना मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो स्टोरी मैं उतना बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं स्टोरी ज़रा भी नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर मैंने बता दिया ना तो वही स्पॉइल हो जाओगे। और मैं तो ये कहता हूँ ट्रेलर में मत देखो और कुछ भी मत देखो, जाके डायरेक्टली देखो, आप डिसअपॉइंट नहीं होगी। और हाई एक्सपेक्टेशन से जाके मत देखना आप, मतलब कोई भी बिना एक्सपेक्टेशन के जाके देखो ये फिल्म, आपको पसंद आएगी। मुझे तो एक डिसेंट हॉरर मूवी लगी। और अगर वीक पॉइंट की बात की जाए तो कैरेक्टर डेवलपमेंट में मतलब ये एक मार खाती है फिल्म, क्योंकि हम लोग उतना कनेक्ट नहीं हो पाते। हाँ गाइस, हम लोग उतना कनेक्ट हो ही नहीं पाते जो एक्टर्स हैं, जो उनके लिए हम लोग सिंपथी नहीं फील कर पाते या फिर कोई भी दिख। और जो मिस्ट्री एलिमेंट जब खुलता है ना तब वो उतना हमें मतलब इम्प्रेस नहीं कर पाता, ये दूसरा मतलब वीक पॉइंट लगा मुझे। ओवरऑल ये फिल्म बहुत मतलब ठीक ठाक हॉरर मूवी थी। आप टाइम अपना दे सकते हैं इसको अगर आप चाहते हैं तो मैं इस फिल्म को दूंगा 6.5 out of 10। आपकी क्या राय है इस फिल्म के बारे में मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे।